खबर बुरहानपुर से है, जहां खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भुसावल से नागपुर के लिए ट्रेन शुरू करने की पुरजोर मांग की। सांसद पाटिल ने संसद में कहा कि कोविड काल से पहले भुसावल से नागपुर के लिए ट्रेन चलती थी। यह ट्रेन 8 जिलों और 6 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती थी, जिसमें बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। वर्तमान में जिन 43 ट्रेनों का जिक्र किया गया है, वे भुसावल से अकोला बडनेरा होते हुए नागपुर जाती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर खंडवा हरदा टिमरनी से नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन संचालित नहीं होती, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सांसद पाटिल ने अच्छा मुद्दा उठाया है, हम सब मिलकर इसका ध्यान समाधान रखेंगे। जिस पर सांसद पाटिल ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने से हमने जो गाड़ी क्रमांक 2211 और 22112 जो भुसावल से नागपुर दादा धुनी वाले पैसेंजर के नाम से चलती थी, उस विषय में हमने बात रखी थी। और इस ट्रेन से लगभग 8 जिले और 6 लोकसभा क्षेत्रों से ट्रेन गुजरती है। बैतूल में एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें बड़ी संख्या में कैंसर पीड़ित पेशेंट इलाज के लिए इस ट्रेन के माध्यम से जाते जी। जो 43 ट्रेनों का उल्लेख किया गया है, वो 43 ट्रेन भुसावल से भाया अकोला बडनेरा होते नागपुर जाती है, लेकिन बुरहानपुर खंडवा हरदा टिमरनी होते हुए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए नहीं चलती। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ट्रेन कोविड काल के पहले चलती थी, ये ट्रेन पुनः चालू होगी तो यहाँ से कैंसर पीड़ित पेशेंट के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी और बड़ी संख्या में हमारी क्षेत्र से नागपुर के लिए व्यापार के लिए भी व्यापारी जाते हैं, तो इनके लिए आने जाने के लिए ट्रेन काफी सुविधाजनक होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बिल्कुल सही और अच्छा विषय रखा है। हालांकि भुसावल से नागपुर के बीच में करीब 40 से अधिक गाड़ियां चलती है और जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया है, वो ट्रेन वाया इटारसी होके जाती थी। चूंकि वाया इटारसी होके जाने के कारण उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, करीब 75 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा या टोटल डिस्टेंस होती थी, इसके कारण इसमें बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपके क्षेत्र की, विशेषकर जो आपने खंडवा और जिस क्षेत्र की बात कही है, उस क्षेत्र के लिए अलग से कोई सुविधा अगर की जा सकती है तो हम दोनों साथ बैठ के अलग से उसकी कोई भी सुविधा, इस ट्रेन के अलावा भी कोई दूसरी अगर व्यवस्था हो तो वो करने पे एक बार साथ बैठ के कर लें।